हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम फूड। मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तवा चिकन। फ्रेंड्स, ये जो तवा चिकन है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी, इसमें ज़्यादा इन्ग्रीडियंट भी नहीं लगेगी। आइए बनाना शुरू करते हैं अपना तवा चिकन। इसके लिए हम एक तवा ले लेंगे। मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक घिसा हुआ ऐड कर लूंगी। इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर मैं इसमें 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर लूंगी। इसको अच्छे से हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर हम इसमें अपने चिकन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया हुआ है, इसको मैंने धो लिया अच्छे से। अब इसे इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारा चिकन प्याज के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ऐसे ही हाई फ्लेम पर, ताकि चिकन का पानी सारा जल जाए। आप देख सकते हैं चिकन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 कप फेटा हुआ दही ऐड कर लेंगे। दही से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और बहुत सॉफ्ट भी पीसेस हो जाते हैं। इसमें हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। आप जैसे तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड कर लेंगे। इसके मैंने बीज निकाल दिया है, आप चाहो तो बीज से ही ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। आज को हमने मीडियम फ्लेम पर कर रखा है। हमें 10 मिनट हो चुका है इसे पकाते हुए। आप देख सकते हो ये अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। इसे हम पलटे की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी लग रहा है। अब हम इसमें धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हम इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच मक्खन ऐड कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी लगता है, बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है। बटर इसके टेस्ट में बहुत ही जान ला देता है। इसमें मैंने कुछ ऑनियंस के छल्ले डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हम अभी 5 से 7 मिनट और कुक कर लेंगे इसको धीमी आँच पर, ताकि बटर के साथ प्याज के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। आप देख सकते हो अब ये चिकन मेरा पक गया है अच्छे से। इसे मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं लुक वाइज ही कितना यम्मी लग रहा है। इसे देख आप सोच सकते हो कि कितना यम्मी बना होगा ये। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि पक गया है कि नहीं। ये देखिए अब कितने आराम से टूट गया। आप देख सकते हो अब इसमें मैं चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करूंगी, ताकि ये चटपटा हो जाएगा और ज़्यादा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये तवा चिकन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।